हेलो हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अंतिम लेक्चर पेपर 7 पार्ट 1 के। छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग अधिनियम 2004। 2003 तक अजीत जोगी की कांग्रेस सरकार, 2000 से 2003 छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। 2003 के बाद जो चुनाव होते हैं उसमें भाजपा सरकार चुन करके आती है, और 2004 में रमन सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व वाली जो सरकार थी उन्होंने छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग अधिनियम 2004 पारित किया। देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग अधिनियम 2004 है, नाम से समझ में आता है कि सिर्फ गौ सेवा के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धारा 2 छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग अधिनियम की परिभाषित करती है कृषक पशु, यानी एग्रीकल्चरल एनिमल। और कृषक पशु का मतलब सिर्फ गाय से नहीं है, गाय, बछड़ा, भैंसा, पाड़ा, पड़िया, यानी जितने भी पशु होते हैं मुर्गी और बकरी को छोड़कर के, उनके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ गौ सेवा अधिनियम 2004 बनाया गया है। और इसके अंतर्गत आयोग के क्या क्या कार्य हैं ये पूछ रहा है। तो एक तो आप डीपीएसपी पढ़े होंगे, तो डीपीएसपी के संदर्भ में आपको जानकारी होगी कि आर्टिकल 48 जो गांधीवादी डीपीएसपी कहलाता है, या गायों के संरक्षण की बात की गई है, गौ हत्या को, काउ स्लॉटर को रोकने की बात की गई है। तो एक तो आर्टिकल 48 का परिपालन करना, दूसरा गाय समेत सभी कृषक पशुओं का संरक्षण करना, तीसरा है उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना, ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके बाद यदि आप देखें तो विभिन्न संस्थाओं आदि से समन्वय स्थापित करना जो कृषक पशुओं की या गौ सेवा में लगी हुई है। बहुत सारे ऐसे संगठन है, बहुत सारे ऐसे संस्थान है जो गौ सेवा में, कृषक पशुओं की सेवा में लगे हुए हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करना, उनसे समन्वय करना, और सबसे बड़ी बात कि पशुओं के प्रजनन, रख रखाव और पोषण, न्यूट्रिशन की व्यवस्था करना। तो पशुओं का प्रजनन सही तरीके से हो, रख रखाव बढ़िया हो, पोषण बढ़िया हो, इसके लिए आप देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किया गया प्रयास, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 यदि हम यहां पर बात करें तो इसकी धारा 46 में, सेक्शन 48 में ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का वर्णन किया गया है, स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों में यदि आप देखें तो एक नई समिति भूपेश बघेल सरकार में जुड़ी, ग्राम गौठान समिति। तो ग्राम गौठान समिति बेसिकली ऐसी समिति है जो यहाँ पर पशुओं के संरक्षण का काम करेगी, उनके रख रखाव का काम करेगी, उनके पोषण, प्रजनन आदि चीजों का ध्यान रखेगी। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे एक्ट को आप नहीं जोड़ सकते, यहाँ पर आप दूसरे एक्ट को भी, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 46 को भी आप जोड़ सकते हैं कि ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों में ग्राम गौठान समिति का गठन किया गया। एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं ताकि एकदम से आपका एक भी नंबर काट ना पाए आयोग, ठीक। दूसरा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू, यहां पर मैंने आपको जिससे बताया कृषक पशु की परिभाषा पूछेगी तो आप बता देंगे कृषक पशु की क्या परिभाषा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगली बात जो कर रहे हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण यानी प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज 2013 में इसके लिए एक्ट आया है, और ये कह रहा है कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी है, जो निजी नियोजन अभिकरण है, उनका क्या कार्य है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो निजी प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियां होती हैं उनका कार्य क्या होता है, वो होती क्या है कि रोजगार दिलाना। सबसे बड़ी चीज जो घरेलू कामगार है, आपने देखा होगा कि कई प्लेसमेंट एजेंसियों का पोस्टर लगा हुआ होता है, पॉम्पलेट आते हैं कि क्या आपको घर में कपड़े धोने वाले की जरूरत है, या बर्तन मांजने वाले की जरूरत है, या साफ सफाई करने वाले की जरूरत है, या माली की जरूरत है, तो एजेंसी से संपर्क करें। ये एजेंसी बेसिकली वो एजेंसियां होती है जो छत्तीसगढ़ सरकार से रजिस्टर्ड होती हैं। मात्र 500 रुपए का शुल्क लगता है और 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है। 1 लाख की बैंक गारंटी लोग जमा करते हैं, तो याद रखेंगे 1 लाख की उनके पास बैंक गारंटी होना चाहिए, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, या आरडी हो सकता है पोस्ट ऑफिस वगैरह का, और 5 वर्ष के लिए 500 रुपए में इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। घरेलू कामगारों को इनका काम दिलाना है, और
इनको काम का उचित मूल्य दिलाना है, तीसरा इनको अवैध वसूली से बचाना है, और चौथा इनको इनके शोषण से इनको बचाना है। तो घरेलू कामगारों को काम दिलाना, उनको उनके काम का उचित मूल्य दिलाना, अवैध वसूली, कई बार देखते हैं हम लोग की नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ले लिया जाता है, वो अवैध वसूली को रोकना है ना, इल्लीगल जो पैसा वसूला जाता है, शोषण से बचाना, आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए, सामाजिक शोषण नहीं होना चाहिए। तो आजकल कई प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियां घूम रही हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन लीगली वो काम नहीं कर रही, इल्लीगल काम कर रही है, तो ऐसी प्राइवेट प्लेसमेंट संस्थाओं से बच करके आपको रहना है। और इसलिए आपको यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ऐसे बहुत सारे गरीबों की रक्षा करनी है, इसलिए पेपर 7 में आपको ये दिया गया है। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, मैं कहता हूँ भैया चलो भाड़ा नियंत्रण अधिनियम में किसी ने नहीं भी पढ़ा हुआ, पता ही नहीं है कि भाड़ा नियंत्रण अधिनियम क्या है, तो इतना तो पता होगा कि भाड़ा नियंत्रण अधिनियम पर किराएदार को प्राप्त अधिकार। तो भैया आप भी बिलासपुर के अंदर या कहीं भी बाहर में रूम लेकर के यदि पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे पहली बात कि किराएदार का पहला अधिकार है एग्रीमेंट, या यदि उसने लीज पर लिया है तो लीज पर, है ना। कई बार होता है कि जैसे एग्रीमेंट हो गया, साल भर का एग्रीमेंट बनता है, 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है, या लीज पर होता है ना, एक साल की लीज पर, या 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 25 साल की, जैसे लीज होती है मतलब बड़े समय के लिए जो लीज दी जाती है, ठीक है। तो एग्रीमेंट और लीज, इसमें एक बड़ा अंतर यह होता है कि लीज में एक परमानेंसी वाला मामला होता है, और एग्रीमेंट में यह होता है कि भाई 11 महीने के बाद चेंज किया जा सकता है। तो यहां पर एग्रीमेंट या लीज का अधिकार है। फिर उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, यानी बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो घर के अंदर। तीसरा कि मकान मालिक उसकी निजता का अधिकार छीन नहीं सकता, कि एक बार मकान दे दिया तो जब आए, है ना, चेकिंग के नाम पर या किराया वसूलने के नाम पर जब देखो चेकिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि भैया आपने किराया, आपको प्रॉपर टाइम पे किराया मिल रहा है, तो मकान मालिक से उसे निजता का अधिकार प्राप्त है, यानी मकान मालिक उस पर नियंत्रण हासिल नहीं कर सकता, उसकी बार बार चेकिंग नहीं कर सकता, ठीक। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि आपातकालीन स्थिति में उसे संरक्षण, जैसे कोविड के टाइम में आप देखें तो वो कोविड के टाइम पे सबकी स्थिति खराब थी, तो आपातकालीन स्थिति में उसको संरक्षण, भैया हर महीने वो किराया नहीं दे सकता, 2-3 महीने अभी जब तक स्थिति सुधर नहीं जाती तब तक वो किराया नहीं देगा। तो ये सारी चीजें, ये सारा प्रोटेक्शन एक किराएदार को मिलता है। इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आराम से क्वेश्चन को समझ करके अच्छे से आप आंसर यहां पर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ दहेज निवारण कानून। तो देखिए दहेज निवारण के लिए पहले ही केंद्र सरकार में 1961 में कानून आया था, लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 में अलग से पारित किया गया है। इसके अंतर्गत धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है कि वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को किसी भी प्रकार के धन संपत्ति या सामान देना और वर पक्ष के द्वारा लेना दहेज है। ये दहेज की जो मांग है वो शादी के पहले भी की जा सकती है, शादी के दौरान भी की जा सकती है, या शादी के बाद, ये सब दहेज के अंतर्गत आएगा, यानी दहेज लेना और देना दोनों ही क्या है, अपराध। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में एक और शब्द है दहेज के अलावा, दहेज मृत्यु। तो दहेज से यदि महिला की मृत्यु हो जाती है, जैसे कई बार देखा जाता है कि जला दिया जाता है दहेज के नाम पर, या आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता है, फांसी पर लटक जाती है महिला, तो दहेज में यदि आत्महत्या के लिए भी मजबूर किया गया तो वो दहेज मृत्यु कहलाएगी, डाउरी डेथ कहलाएगी, और ऐसी स्थिति में 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है वर पक्ष और उसके रिश्तेदारों को। तो यहां पर दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। आप सब खुद प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, ना अपनी शादी में दहेज लें ना दहेज दें, और दूसरी बात जब आप प्रशासनिक अधिकारी बने तो समाज से इस कुरीति को, इस बुराई को खत्म करने का प्रयास करें। दूसरी एक बुराई है टोनी, टोनी कह करके, जैसे क्वेश्चन आता है टोनी से आप क्या समझते हैं, जो टोनी होती है जो झुकती झापती उसको टोनी कहते हैं, ऐसा मत कह देना। टोनी का मतलब क्या है बेटा, कि टोनी का मतलब टोनी के नाम से महिला का शोषण होता है। टोनी के नाम से कई बार देखा जाता है
कि जातिगत भी ये मामला होता है, कई बार टोनी कह करके महिला का शोषण किया जाता है, कई बार उसको इतना पीटा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इस सामाजिक कुरीति से बचाने के लिए टोनी प्रताड़ना अधिनियम आता है 2005 में। टोनी का मतलब यह है कि एक ऐसी महिला जिसको समाज के द्वारा या किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों के द्वारा काला जादू के नाम पर या तंत्र मंत्र के नाम पर टोनी या डायन करार दे दिया गया है, जिसे वो समझते हैं कि उससे हानि पहुंच सकती है, और क्योंकि उससे हानि पहुंचती तो फिर उसको हानि पहुंचा देते हैं। तो क्वेश्चन है, टोनी से आप क्या समझते हैं, परिभाषा बता देंगे कि टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 2 में टोनी की परिभाषा दी गई हुई है, और यहाँ पर कौन सा अधिनियम पारित किया गया है तो आप अधिनियम का नाम भी बता देंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोनी प्रताड़ना अधिनियम, इसके अंतर्गत याद रखेंगे टोनी होने का दावा करना भी अपराध है, किसी को टोनी कहना भी अपराध है, टोनी का इलाज करने का भी दावा करना अपराध है, और सबसे बड़ी बात ये एक गैर जमानती अपराध है, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जैसे एससी एसटी एक्ट है कि बेल नहीं होती, ऐसे इसमें भी बेल नहीं होती, गैर जमानती अपराध है, याद रखें। तो यहां पर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, और छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे अधिनियम है वो यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं। एक क्वेश्चन बच्चों का और आया था कि सर एक महिलाओं से संबंधित संवैधानिक अधिकार, तो बेटा महिलाओं से संबंधित संवैधानिक अधिकार यदि आपसे पूछता है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं आराम से, आपको सभी पता है। आर्टिकल 14 के बारे में आप उल्लेख कर सकते हैं, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 का उल्लेख कर सकते हैं, धर्म वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। आर्टिकल 15(3) जिसके अंतर्गत महिलाओं के अलग से कानून बनाए जा सकते हैं। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता है महिलाओं को। छुआछूत का अंत है, तो देवदासी जैसी प्रथाओं का भी यहाँ पर अंत करने की बात की गई है, तो महिलाओं के संरक्षण की आप बात करेंगे। यदि इसके बाद आप बात करें तो आर्टिकल 23 में वैश्यावृत्ति का अंत की बात की गई है, बंधुआ मजदूरी के अंत की बात की गई है, तो आप ये बात कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देखें तो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मैं समान सिविल संहिता पढ़ाता हूं पॉलिटी के अंदर, मैं हमेशा कहता हूं ये धर्म का मामला नहीं है, महिलाओं के आत्मसम्मान का मामला है। फिर अभी जो नारी शक्ति वंदन विधेयक आया है, जो आरक्षण देने की बात कर रहा है, 33.33% आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं को, आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। पंचायतों में आरक्षण का उल्लेख कर सकते हैं 243(d) के अंतर्गत पंचायतों में, और 243(t) के अंतर्गत नगरीय निकायों में। यहां आप देखेंगे तो 50% आरक्षण है महिलाओं को, यहां आप देखेंगे तो 33.33% आरक्षण है महिलाओं को। तो डीपीएसपी का आप जिक्र कर सकते हैं, मूल कर्तव्य मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश आर्टिकल 42 में दिया हुआ है, ठीक। आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है ना। जीविकोपार्जन के समान अवसर पुरुषों और महिलाओं के लिए आप इसकी बात कर सकते हैं यहां पर। फिर आप और कह सकते हैं यहाँ पर कि मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य में आप देखेंगे तो यदि आप पांचवें मूल कर्तव्य की बात करें, ए बी सी डी ई क ख ग घ अंगा, तो पांचवा मूल कर्तव्य क्या कहता है, देश में भाईचारा और बंधुत्व बढ़ाना और स्त्रियों की गरिमा के विरुद्ध कोई कार्य न करना।